एक और चीज में पैटर्न थोड़ा सा सरकार का बदला दिखता है, वो है राम मंदिर। रामायण सर्किट तो हो जाता है, बसों को झंडियां दिखा दी जाती हैं, श्री राम की प्रतिमा बनाई जाएगी सरयू किनारे, ये भी बोल दिया जाता है, लेकिन राम जी वही रामलला तंबू में ही नजर आते हैं। तीन बार मेरी जान लग गई थी, मतलब मैं सोच सकती थी कि मैं मर सकती हूँ। एक था राम मंदिर, एक था कर्नाटक में तिरंगा फहराना, और एक बार मध्य प्रदेश में जब सरकार बनाने की बात आई और जिस प्रकार से मेरा मुकाबला किया था दिग्विजय सिंह ने पूरी फोर्स के साथ, उसमें जो मुझे अपने आप को झोंकना पड़ा था क्योंकि बीजेपी वहाँ बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, उसमें मुझे स्टेराइड्स खाने की नौबत आ गई थी और अरुण जेटली स्वयं आए और उन्होंने कहा कि नहीं चुनाव प्रचार बंद करो, लेकिन मैंने माना नहीं, वो गए और दो घंटे बाद में हेलीकॉप्टर में बैठ गई और अंत में मैंने धूल चटा दी और आज तक कांग्रेस वहाँ पनप भी नहीं पा रही। इसलिए मैं तो राम मंदिर के लिए जान की बाजी लगाई हूँ, मंदिर बन के रहेगा, जहाँ रामलला बैठे हैं वहीं मंदिर बनेगा। माननीय कोर्ट के अंदर फैसला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, दो तरह की चल रही है, एक ये चल रही है कि क्या हमने कोई कॉन्स्पिरेसी की, वो मैंने साफ कह दिया है कि कॉन्स्पिरेसी की जरूरत तो तब होती है जब चोरी छिपे कोई काम हो रहा, खुलेआम खड़े हैं सामने गोली खाने के लिए, कहाँ की कॉन्स्पिरेसी है साहब। और दूसरा ये है कि राम मंदिर की जो जगह है वो जगह राम मंदिर की है या नहीं, मतलब राम जन्मभूमि है कि नहीं, वो प्रमाणित हो गया। अब बातें रह गई कि वर्तमान में उसका मालिक कौन है, अब ये बात सब जुडिस्ट है, लड़ाई जो है वो जमीन की है, जमीन की लड़ाई का सेटलमेंट बाहर कोर्ट के बाहर भी होता है। मैं आज भी कहूँगी कि सभी जो दलों के नेता हैं वो बैठ जाएँ और सभी समुदायों के लोग बैठ जाएँ और आपस में ही फैसला कर लें कि वो स्थान जो है ना वो हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि है, वो आस्था का टकराव वहाँ है नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए बाबर इष्ट देवता नहीं है जबकि राम हिंदुओं के इष्ट देवता हैं। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय है जो इस तरह का सोचता है। एक बार मैंने और शाहनवाज ने ये बात करने की काफ़ी बात बढ़ाने की कोशिश की थी, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो जाएगा, नहीं तो हम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन जहाँ रामलला बैठे हैं वहाँ तो मंदिर ही बन सकता है और कुछ बन ही नहीं सकता। आपको उम्मीद है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मुमकिन है? बहुत सारे लोग अभी श्री रविशंकर भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ देखिए, राम भक्ति पे हमारी सील नहीं लग सकती कि जब ब्रांड हो गया, जब तनिष्का का ही हो गया तो यही बेच पाएंगे जी वाला, ऐसा थोड़ा ना होता बाबा। ये तो राम भक्ति आस्था है, कोई भी राम से प्यार कर सकता है और इसके लिए रास्ता निकाल सकता है, पहली बात। दूसरा ये है कि आप तो मुझे ये बताओ वो कौन माइका लाल है जो राम मंदिर के अलावा वहाँ और कुछ बना सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ मंदिर ही बनना है। स्ट्रक्चर का सवाल है कि कब बनेगा, रामलला बैठे हैं टपरे के नीचे तो रास्ता निकलेगा। आज योगी जी की सरकार है, यहाँ मोदी जी की सरकार है, सरकार तभी रास्ता निकाल सकती है जब वो सबको देखो रास्ता निकल चुका है, सोमनाथ का रास्ता निकला है, सरकार ने निकाला था, लोगों ने साथ दिया था, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, तब ये रास्ता निकला है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारों ने बातचीत के द्वारा रास्ते नहीं निकलवाए हैं, और वो रास्ता निकलेगा। बस यही है कि ये पहल सबकी तरफ से हो, सवाल तो हो हमसे बाहें चढ़ा चढ़ा के राहुल जी का कि मंदिर अभी तक नहीं बना पाए, तो चलो ना हमारे साथ बातचीत करो ना मुस्लिम समुदाय के साथ, मंदिर बनाने का रास्ता निकलवाओ ना, बैठो हमारे साथ। वहाँ फिर कहोगे अरे मुसलमानों तुम्हें संकट हो गया, हिंदू ज़्यादा आतंकी लग रहे हैं, हमें आतंकियों से उतना खतरा नहीं लग रहा जितना कि हमें हिंदुओं से खतरा लग रहा है, फिर ये मत बोलो ना चलो मेरे साथ, मैं तो उन लोगों को चलो हमारे साथ अयोध्या, अपन रास्ता निकालते हैं बैठ के। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।